सबसे पहले मंचासीन महोदय, प्यारी प्यारी जनता, सभी के श्री चरणों में नमामि वा राम 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 सा। बताया है जब ये प्राणी गर्भ के अंदर रहता है, प्रभु से वादा करता है, प्रभु मुझे तू इस नरक से बाहर कर, बाहर जाते ही मैं तेरा ध्यान धरूंगा, तेरा जाप करूंगा, तेरा भजन करूंगा। जैसे ही उस परमपिता परमात्मा ने बाहर कर दिया, फंस गया माया जाल में, भूल गया उस परमपिता परमात्मा को, लेकिन भैया भजन लाल क्या लिखा कभी ने और अब हूं नचेतो तो पीछे पछतावे गो। कंचन सी काया पे गुमान करे, मिट्टी में मिल जाएगी आए कौ नाए आवे गो। क्या भाई राम नाम लियो ना और शुभ काम कियो ना, तेरी मेरी कहते तेरो जीवन चलो जावे गो। भज ले राम नाम बंदे, अंत के समय पर तेरे काम यही। भैया समय बहुत कम है, काम ज्यादा है, चलते हैं सीधे प्रसंग की तरफ। हमारे भैया जी सुना रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका ये समाज जुड़ा हुआ है। जैसे ही महाराज अंत का समाज जुड़ा हुआ था, मंत्री संजय को बुलाया और कहा कि भैया संजय, मेरा बेटा दुर्योधन बहुत ही अन्यायी है, दुराचारी है, किसी भी प्रकार से मेरी बात को नहीं मानता, आप धर्मराज के पास में जाइए और यह पूछ करके आइए कि महाभारत में कौन कौन से वीर लड़ने के लिए तैयार किए हैं। आहा मेरे विद्वान बताओ इधर में कौन। मंत्री संजय कहां पहुंचे, धर्मराज के सामने जाते ही प्रणाम किया, गांडीवधारी अर्जुन खड़े हो जाते ही कहने लगे ही, एक बात है संजय, बताया है कि ये भीष्म द्रोण धृतराष्ट्र भूप से, और कहना है चाहे प्रणाम मेरा, अरे दुर्योधन से कहना है कि वीर धनंजय जो अरमा है दिल के अंदर वो अंदर ही रह जाएंगे और ये पांडव शस्त्र उठाएंगे कौरव ना बचने। उस दुराचारी से जाते ही मेरे दो शब्दों को कह देना, अब कौन गांडीवधारी अर्जुन क्या जवाब देते हैं भैया। बना
ने जवाब दिया है, बताया है कि ये कैसे ले अधिकार किसी का, ये कैसे ले अधिकार किसी का, कुरपत को बतला दूंगा और समर भूमि में कुर नंदन का नामो निशान लिखा दूंगा। सो अरमा खोल समर में आवे लावे सहन सजाई और अब रुकन ही नाए। मंत्री संजय ऐसे शब्दों को सुनते ही महाराज अंध के सामने आते हैं और क्या कहा भैया, अब रण में जोहर कर त्रगन से और देखो झरे क्रोध की ज्वाला और जाके रथ पैसा रती हो गोरे अभी आप रामेश